मेहनत और ईमानदारी अपनाओ, खोई बरकत वापस पाओ, नशा मुक्त हो शाकाहार अपनाओ, रोग दोष से मुक्ति पाओ। गुडे बरोशो चरण कमल काटे रे बरोशो चरण कमल काटे रे सांस सांस पर आस तुम्हारी और न काहू के रे बरोसो ये गुडे सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 28 फरवरी 2021 को पटना के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आपको घर के नाना जंजाल से निकाल कर सत्संग में लाए। पहले के समय में तो बराबर लोग नियम ही बनाए रहते थे कि सत्संग सुनने के लिए जाना है, 15वें दिन महीने में एक बार संतों के आश्रमों पर जहाँ पर सत्संग होता था जाते ही रहते थे। जब सत्संग में जाते थे और हर तरह की जानकारी लोगों को होती थी तब आज की तरह से तकलीफें नहीं थी, न तो लड़ाई झगड़ा इतना था, न हिंसा हत्या इतनी थी, न इतनी बीमारियां थी, न इतना झूठ फरेब था। आप ये समझो उस समय पर लोग बहुत सुखी थे, गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा था। समझो इस बात को कि समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी, लोग खुशहाल रहते थे। किसान अपने खेत में खड़ा होकर के और पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। शत्रुओं का ऐसा भी इतिहास मिलता है कि एक बार जुताई करके खेत की बुआई करके चले आते थे, जब जरूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे, फसल जब तैयार हो जाती काट करके ले आते, दोबारा फिर नहीं कि दूसरे साल फिर बुआई के लिए जाना हो, एक बार बोते थे और 27 बार काटते थे। उस समय पर लोगों की नीयत अच्छी थी, दूसरे के धन को लोग जहर से भी जहर मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते थे। तो जब नीयत अच्छी रहती है तो बरकत होती है। देखो आदमी बहुत कमाता है, पूरा नहीं पड़ता है। पहले के समय में देखो एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाते तो भी नहीं पूरा पड़ता है। कारण क्या है? कमाई का तरीका नहीं मालूम है। लूट कर मार कर ठग करके
दिल दुखा करके लाते हैं तो उसमें शांति मिलेगी? शांति नहीं मिलती है, सब परेशान हैं। जिनको आप ये कहते हो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे कोठी मकान में रहते हैं, ये बहुत सुखी होंगे, लेकिन उनको जल्दी नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। तो इस समय पर न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है, सब परेशान हैं। जो असला रास्ता था, जो सत्य रूपी धर्म था उसको छोड़ दिया, अहिंसा रूपी धर्म को छोड़ दिया, हिंसा हत्या पर लोग विश्वास करने लग गए, सेवा भाव लोगों के अंदर से ख़त्म हो गया, परोपकार जो एक दूसरे की मदद करते ही रहते थे वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब तो कहते खाने को नहीं मिलेगा तो फैला ही देंगे, खाने नहीं देंगे तो आप समझो कैसे सुखी रहेगा आदमी। मनुष्य शरीर पाने का मतलब ही नहीं समझ पा रहा है कि किस लिए मिला, क्योंकि सत्संग मिला नहीं। प्रवचन तो होता रहता है, कथा भागवत होता रहता है, राम कथा, कृष्ण कथा, सत्यनारायण की कथा, महाभारत की कथा तो जगह जगह होती रहती है, लेकिन सत्संग नहीं मिलता है। पीछे के कथा में ये जो इतिहास है वही सुनाते हैं, इन कथाओं में इतिहास ही सुनाते हैं, प्रवचन में भी वही चीज़ें सुनाते हैं, महापुरुषों के बारे में ही ज़्यादातर लोग बताते हैं, लेकिन महापुरुषों ने क्या काम किया, किस तरह से त्याग और तपस्या किया, किस तरह से घर के लोगों के लिए एक आदर्श उपस्थित किया, न तो उसका नकल करा पाते हैं और न स्वयं उसका नकल करते हैं, तो कैसे सुख और शांति मिलेगी? सुख शांति तो समझो कि यहाँ इन बाजी आँखों से देखने वाली चीज़ों में है ही नहीं, सुख और शांति तो इससे परे की चीज़ है। आप ये समझो प्रेमियों कि यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला, देव दुर्लभ शरीर बताया गया, देवता इसके लिए तरसते रहते हैं, नर समान नह कोनो देही, जीव चराचर जाचते ही, जितने भी चर और अचर के जीव सब इस मनुष्य शरीर के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? आप इस समय पर जो करने में लगे हुए हो वो पराये काम में लगे हो। घर मकान तो अपना कहकर बनाते हो, जमीन जायदाद अपना जोतते बोते हो और बढ़ाते हो, खरीदते हो, बिजनेस व्यापार करते हो, दुकान खोलते हो, कहते हो मेरी दुकान, मेरी एजेंसी, मेरा कल कारखाना, लेकिन वो आपका नहीं है, वो छूट जाएगा एक दिन, दूसरे का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मृत्युलोक में रहते हो। मृत्युलोक किसको कहते हैं? जहाँ से एक दिन बाहर निकाल दिया जाना होता है सब लोगों को, यानी लोक छोड़ना पड़ता है, तो सबको छोड़ना पड़ा। देखो जिस दुकान को आप बहुत से लोग करते हो, खेती को करते हो, इसी को बाबा दादा, इसी को पिताजी, कुछ लोगों के भी यही कहते कहते मेरा है मेरा है चले गए, सोचो आपका कैसे रहेगा? ये आपको भी छोड़ना पड़ेगा। जो सत्य है उसी को भूल गए और असत्य में फंस गए, नकली चीज़ में फंस गए, नकली चीज़ों को लेकर के घूम रहे हो, नकली चीज़ों को अपना समझते हो, तो नकली चीज़ कोई किसी के काम कभी आती है? कुछ नहीं काम आती। नकला नोट, नकला हीरा, नकला सोने चांदी किसी के काम आता है? लेकिन जो असली चीज़ है वो हमेशा असल रहती है। तो ये दुनिया क्या है? ये एक तरह से नकली चीज़ है, ये आपके कोई काम आने वाली नहीं है। इसी को आप याद रखते हो, दुनिया को, दुनिया की चीज़ों को, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छी चीज़ें, इसी को आप अपना समझते हो, इसी को नकल को ही आप असला समझते हो। और असल क्या है, सत्य क्या है? मौत सत्य है, मौत तो एक दिन आनी ही आनी है,
इस धरती का विधान ही यही है कि जो इस धरती पर पैदा होता है उसको मरना पड़ता है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। तो प्रेमियों, यह सत्य है कि एक दिन आँख बंद हो जाएगी, फिर ये आँखों से देखने वाली चीज़ें कोई भी अपने काम आने वाली नहीं हैं। तो आप ये समझो कि मौत को सभी लोगों को याद रखना चाहिए, और इस समय कलयुग में विशेष रूप से, क्योंकि पहले के समय में उम्र पूरी करके ही दुनिया संसार से लोग जाते थे, और अब किसी के ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, घर से निकले कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा, और परमात्मा को भूल गए कि जिसने आपके लिए सब कुछ बनाया, सारी खिलकत बनाई, सारी चीज़ों को बनाया, जिसने इस मनुष्य शरीर को आपको दिया, उसी को भूल गए। देखो, इन बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, यह सब किसके लिए हैं? आदमी के लिए ही हैं। ये पेड़ और पौधे, ये जमीन, ये घास और फूस, और ये जितने भी कीड़े मकोड़े और ये जानवर, ये जितने भी हैं, पक्षी जितने भी हैं, ये मनुष्य के लिए ही बनाए गए हैं। आसमान, जल, अन्य समझ लो आप, जो भी जिसको आदमी इस्तेमाल करता है, वो सब इंसान आदमी के लिए बनाए, क्योंकि इस शरीर को बना दिया, और शरीर के स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए, शरीर के अंदर जो दिल दिमाग बुद्धि है उसको सही रखने के लिए, इन सारी चीज़ों की आदमी को ज़रूरत है। वैसे तो मुख्य रूप से 5 तत्व जो बताए गए, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इससे यह शरीर बना। 6 तरह की शक्तियाँ हैं, जन्म, अष्ट परिणामी, वृद्ध और क्षीर, यही बनाती हैं। लेकिन अनि इसको चलाए रखने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये चीज़ें आदमी के शरीर के लिए बनी। तो जब शरीर ही नहीं रहना है तो ये चीज़ें किस काम आएंगी? इसलिए जब तक शरीर के अंदर सांस है तब तक ये शरीर चलेगा, जैसे सांस पूरा हो जाएगा ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, फिर इसको लोग क्या कहेंगे? मिट्टी। इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, कहेगा नालायक, कहीं के दिखाई नहीं पड़ता, इसको मोतिया बिंद हो गए आँख में, मिट्टी कह रहा है। लेकिन मरने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, शेर साहूकार का हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। कहते 2 घंटा भी देखो घर में रखने का इजाज़त नहीं देते हैं, दरवाजे पर रखने की इजाज़त नहीं देते हैं, पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। ये नहीं कहते सड़न पैदा हो जाएगी, बदबू पैदा हो जाएगी, बीमारी फैल जाएगी, ये नहीं कहते, धीरे से कहते हैं ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, इसको मिट्टी ही कहते हैं। तो ये मिट्टी का खिलौना कहा गया, हम मिट्टी में मिल जाएगा, अब इसकी क्या कीमत रह जाएगी? जब तक इसके अंदर जीवात्मा है, जब तक इसके अंदर प्राण है, तभी तक इसकी कीमत है। लेकिन प्रेमी उस बात को समझो कि यह खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही नहीं बना है, किसी काम के लिए उसने नहीं दिया। पशु और पक्षी भी खाते बच्चा पैदा करके चले जाते, वही काम आप भी करो, उसी में अपना समय पूरा निकाल दो, तो आप में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला, यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष दिलाने के लिए मिला है। मुक्ति और मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट की तरफ जाओ, कहीं कहीं पर लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा जलाने के लिए लेकर के जाए, और कोई आंधी आफत आ जाए, दिक्कत आ जाए,
न जला पावे तो वापस फिर घर लाता है, चाहे दो दिन लग जाए जला करके ही आता है। तो जब तक इस जीवात्मा की मुक्ति नहीं होगी तब तक ये लौट लौट चौरासी में आती रहेगी, जन्मने और मरने की पीड़ा ये झेलती रहेगी। देखो जन्मते वक्त कितनी तकलीफ होती है, रोता हुआ बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट में जब रहता है प्रभु का दर्शन होता रहता है, बहुत खुश रहता है, और माँ के पेट से जब बाहर निकला तो ये काल और माया का देश है, माया का पर्दा पड़ जाता है। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा और औरतों को माया कहते हैं। देखो दुनिया इसी के पीछे भग रही, इसी के पीछे परेशान है, इसी के पीछे ईमान धर्म को भी बेच ले रहा है आदमी, इसी के पीछे देखो खून कतल तक हो जा रहा है। तो माया का पर्दा पड़ते ही दर्शन होना हो जाता है बंद, तब चिल्लाता है कहाँ 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 कहाँ, बच्चा देखो चिल्लाता ना कहाँ 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 पहुँच गए। और ये जो गर्म और ठंडी हवा है नंगे बदन में इस कदर लगती है कि मालूम पड़ता है सैकड़ों सुई कोई चुभ रहा है, बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है। मरते समय भी जो लोग अपने से शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाते हैं, खाने पीने में ही अपना समय निकाल देते हैं, उनकी जीवात्मा को यमराज के दूध मार मार करके झुलसा झुलसा करके निकालते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तो जन्मते वक्त मरते वक्त बड़ी तकलीफ होती है, तो जब इसको मुक्ति मिल जाती है जहाँ से आई है, सतदेश सतलोक जिसको कहा गया, जब ये वहाँ पहुँच जाती है तब फिर नीचे वापस नहीं आती है, जन्मने मरने की पीड़ा फिर नहीं होती है, 9 महीने फिर माँ के पेट में लटकना नहीं पड़ता है। आप प्रेमियों समझो इस बात को कि मनुष्य शरीर सच पूछो तो इसी काम के लिए मिला है। माँ के पेट में प्रभु से प्रार्थना किया था कि हमको मनुष्य शरीर दो, उस समय जानकारी थी कि मनुष्य शरीर के अंदर से ही ऐसा रास्ता गया हुआ है कि जिससे जीवात्मा का कल्याण हो सकता है, इसकी यह बूंद है उस प्रभु तक पहुंचा सकते हैं, समुद्र में विलीन कर सकते हैं। उस समय जानकारी थी, यह भी जानकारी थी रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर गया है, यह भी जानकारी थी कि जब संत सद्गुरु मिलेंगे वो रास्ता बताएंगे तब यह संभव होगा। तो आप ये समझो, लेकिन यहाँ आने के बाद आप भूल गए। कहते ना अभी क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। तो लेकर तो कुछ नहीं जा सकते हो, क्योंकि इतने पतले रास्ते से ये जीवात्मा पिंड में डाली जाती है माँ के पेट में, कि न तो जीवात्मा को इन बाजी आँखों से देख सकते हो और न उस पतले रास्ते को छिद्र को देख सकते हो, तो उधर से ले नहीं जा सकते हो इन बाजी आँखों से देखने वाली चीज़ों को, लेकिन लेकर आए हो। कहाँ लेकर आए, कैसे लेकर आए? कोई अटैची बैग लेकर तो पैदा होता नहीं, माँ के पेट से बाहर निकलता नहीं, मुट्ठी में लेकर आए बच्चा, ऐसे मुट्ठी में मुट्ठी बांध करके पैदा होता है। तो क्या लेकर आए? यही 4 पदार्थ का तलता के, अर्थ धन काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो, धर्म क्या है, दया धर्म है, दया धर्म तन बसे शरीरा, दया करो, किस पर दया करो, सब पर दया करो, हर जीव पर दया करो। यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू में डाल दी जाती है। जो मनुष्य शरीर में रह करके नहीं समझ पाते हैं कि जिंदगी किस लिए मिली, मनुष्य शरीर किस लिए मिला, उनको जब सजा मिलती है तो कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में डाल दिए जाते हैं। उन पर भी दया करो, सब पर दया करो, और अपनी जीवात्मा पर दया करो। इसको नरकों में न जाने दो, क्योंकि नरकों में बड़ी मार पड़ती है, बड़ी पीड़ा होती है नरकों में, तो वहाँ न जाने दो। आप समझो कि इस पर दया करो। असला काम क्या है? अर्थ धर्म काम। असला काम क्या है? कि इसको मोक्ष दिला दो, अपने वतन अपने घर अपने मालिक के पास इसको प्रेमियों पहुँचा दो। तो अब यह कैसे संभव होगा?
जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा तब संभव होगा। तो रास्ता बताने का काम कौन करता है? गुरु करते हैं। देखो प्रेमियों, कोई किसी को कोई काम सिखाता है तो वो उसको अपना गुरु मान लेता है। चाहे लकड़ी का काम सिखावे, लोहे का काम सिखावे, चाहे सोने चांदी का सिखावे, कोई भी मशीन बनाना सिखावे, तो वो उसको गुरु मान लेता है। ABCD जो पढ़ाते हैं, काखा गागा जो पढ़ाते हैं, उनको भी यानी गुरु मान लेते हैं लोग। तो जिसको जहाँ तक के जिस चीज़ की जानकारी होती है, वो जो दूसरों को कराता है तो वो गुरु होता है। और एक होते हैं सदगुरु। सदगुरु किसको कहते हैं? संत सदगुरु किसको कहते हैं? जिनको लोक और परलोक दोनों की जानकारी होती है, जो लोक और परलोक दोनों बनाते हैं। लोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो यह मृत्यु लोक है। आप समझो कि यहाँ से एक दिन बस सबको बाहर कर दिया जाना होता है। इसके ऊपर भी लोक हैं, बहुत सारे लोक हैं। शुरू में ही 33 करोड़ दुर्गादास करोड़ शंभु वैराट के साथ उत्पन्न हुए थे। अब आप ये समझो, अब तो जगह जगह पर देवताओं को लोग प्रकट कर देते हैं। पत्थर को देवता बना देते, पेड़ को देवता बना देते, मिट्टी को देवता बना देते। तो कहने का मतलब यह है कि लोक हैं इन लोगों के, देवों के लोक हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक। आप ये सब बनाए गए किसके लिए? मनुष्य के लिए ही बनाए गए हैं। इनका सबका मनुष्य के शरीर के बनने में अन्य रोल होता है, इनका योगदान होता है। ये पूछो डॉक्टर से, वैज्ञानिक से कि किस तरह से बच्चा बनता है, तो वो तो यही कह देंगे कि रज और बीज इकट्ठा हो जाता है, बस बच्चा बन जाता है। तो पूछो रज और बीज कैसे बनता है, तो नहीं बता पाएंगे, नहीं बता सकते हैं। आप ये समझो, कौन सी चीज़ निकल जाती है कि जिससे ये जीवात्मा निर्जीव हो जाती है, नहीं बता पाएंगे। ये नहीं बता पाएंगे लूला लंगड़ा अंधा बच्चा क्यों पैदा हो जाता है, बुद्धिहीन क्यों पैदा हो जाता है, इन चीज़ों को नहीं बता पाएंगे। ये उनसे परे की चीज़ है। तो जब बराबर सत्संग आदमी सुनता रहता है तो इन सारी चीज़ों की जानकारी होती रहती है। अब इन सारी बातों को 2 घंटे के सत्संग में प्रेमियों आज बताया नहीं जा सकता है। बराबर जब सत्संग सुनते रहोगे तब आपको सारी जानकारी हो जाएगी। ये देवी और देवता जो हैं वो सब किस लिए बनाए गए हैं? बनाए गए सब आदमियों के लिए ही। ये कौन देवता हैं? कौन देवता? ये कौन देवता? अग्नि देवता, ये पृथ्वी देवता, ये सब देवता में ही हैं। आप समझो कि इनके सबके लोक हैं, शिवलोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, इन तीनों की माँ या महाशक्ति लोक, उनके ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता अनीश्वर लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सत लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। अब इन लोकों के बारे में, इन देवताओं के बारे में यानी पूरी जानकारी आपको कराई जा सकती है। किसका क्या काम है और किस लिए कौन बनाया गया, यह सब मनुष्य के लिए ही बनाए गए हैं। तो इनके सबके लोक हैं। तो ये जो आँखों से देखते हो ये मृत्यु लोक है, और इन बाहरी आँखों से जो नहीं देख पाते हो, ऊपर के जो लोक हैं वो परलोक हैं। इसको अपना लोक कहते हो और वो परलोक, उसको परलोक कहा गया। तो जो मृत्यु लोक में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं यानी वो बना दे, तैयार करा दे, मुहैया करा दे, और जो परलोक दिखा दे वो संत सदगुरु हुआ करते हैं। लोक बनाना किसको कहते हैं? अच्छा खाते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, अच्छे मकान में रहते हो, तो आपको कहते हैं इनका लोक बना हुआ है। परलोक के बारे में बताया आपको। तो ये लोक बनाने वाले, परलोक बनाने वाले कौन होते हैं? संत सदगुरु होते हैं। अब आप कहोगे संत सदगुरु ये कोई ज़मीन फाड़ कर निकलते होंगे, आसमान तोड़ कर निकलते होंगे, ऐसा कुछ नहीं।
माँ के पेट में ही यह भी बनते हैं और पलते हैं और माँ के पेट से बाहर निकलते हैं, लेकिन इनके संस्कार अलग होते हैं। तो ये उस वक्त के संत के पास पहुँच जाते हैं। संत हमेशा इस धरती पर रहते हैं, गुप्त रूप में रहे, कभी प्रकट रूप में आए। जब अत्याचार पापाचार दुराचार कम था तो एक जगह बैठ करके संभाल करते रहे, उनको ऊपर से कम शक्ति मिली, और जब ज़्यादा बढ़ा तो घूम घूम करके लोगों को समझाने लगे, बताने लगे, जीवात्माओं को जगाने लग गए, रास्ता बता कर निज घर पहुँचाने लग गए, तो उनको अनिप्रकट संत कहते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों के, जैसे नित्य अवतार और निमित्त अवतार होता है, तो नित्य अवतार में कौन होते हैं कि जो हमेशा रहते हैं, नित्य रहते हैं, तो ये संत होते हैं। और निमित्त अवतार कुछ समय के लिए आते हैं, जैसे धर्म की स्थापना के लिए, दुराचारियों के संहार के लिए राम आए, जैसे आप समझो कि कृष्ण आए, जैसे अन्य समझो कि अवतार हुआ, 12 अवतार हुआ, परशुराम थे और वो थे, कई लोग थे इसमें। तो आप ये समझो कि ये अलग अलग होते हैं सब। ऋषि मुनि अलग होते हैं, योगी योगेश्वर अलग होते हैं, संत अलग होते हैं। जिसको ये मालूम हो जाए ये दुनिया नाशवान है, इन बाहरी आँखों से जितनी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं ये सब ओझल हो जाएंगी, एक दिन मृत्यु सबकी होगी, इतनी ही जानकारी हो जाए, उसको मुनि कहते हैं। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंच जाते उनको देवर्ष कहते हैं, स्वर्ग वैकुंठ तक जो पहुंच जाते हैं उसके आगे योगी योगेश्वर साध संत परम संत। अलग अलग दर्जा होता है, अलग अलग श्रेणी होती है। तो हमेशा इस धरती पर रहते हैं, तो उनके पास पहुँच जाते हैं। अब या तो वो खींच लेते हैं, खींचते भी हैं, जिनको ज़रूरत होती है, जो संस्कारी होते हैं उनको अपने पास बुला लेते हैं, किसी न किसी बहाने से आ जाते हैं, और फिर उनको अन्य समझाते बताते और इस लायक बनाते हैं कि वो भजन के लायक बन जाएं। क्योंकि भजन करना, ध्यान करना भी ये मामूली बात नहीं है, जब दया होती है तभी हो पाता है। कहा तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, अरे समझो यत्न साधन तय नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई दया करते हो, और फिर आत्मा को उनके पहुंचाते हैं। कहाँ पहुंचाते हैं? जहाँ से आई हुई है, सतपुरुष के पास, सतलोक पहुंचती है, तो उनके अंदर शक्ति आ जाती है, पूरी शक्ति रहती है। उस अन्य सतपुरुष की पूरी शक्ति संत सतगुरु में आ जाती है। कहा ना कि सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दें, लखना चाहो अलग को तो इन्हीं में लख ले। ये उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आपको विश्वास हो जाए, आप ये न सोचो कि अपने मन से ये कह रहे हैं, इसलिए समझा रहा हूँ आपको। तो जब शक्ति आ जाती है तब वो आदेश देते हैं कि जाओ अब जीवों का काम करो। तो पहले के समय में प्रकट संत इस तरह से नहीं थे, थे तो नित्य संत थे, रहते हमेशा थे, लेकिन प्रकट संत नहीं थे, जरूरत नहीं रहती थी। निचले अन्य समझो स्थान तक भी, सतलोक से नीचे के भी लोगों तक पहुंच जाते थे, उनको भी लोग संत कहते थे, क्योंकि ताकत तो वही जाती है। आप समझो जो शिवलोक की साधना करते हैं, शिवलोक तक पहुंच जाते हैं, शिव की ताकत आ जाती है। जो आप ये समझो ब्रह्मा का दर्शन कर लेते हैं, अन्य वेद का जो ज्ञान होता है उनके अंदर आ जाता है, सरस्वती वहाँ इनकी सेवा करती रहती हैं, सरस्वती उनके कहते सिर पर बैठ जाती हैं, जो बोलते हैं सही बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। तो इसी तरह से वो शक्ति अन्य इनमें आ जाया करती है जो साधना पूजा करते हैं। तो पहले के समय अष्टांग योग हठ योग लोग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे। उस समय पर उम्र ज़्यादा होती थी, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 वर्ष की,
और कलयुग में 100 वर्ष की बताई गई, इस समय तो पूरा हो पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय पर अनि जो सही रास्ता था, अनि सुरत शब्द योग की जो साधना थी उसको कोई बताने वाला नहीं, और यह कम समय में योग क्रिया के द्वारा जीवात्मा का कल्याण होने वाला नहीं, और कर्म सत्संग न मिलने की वजह से लोगों के खराब होते चले गए, तो नर्कगामी होने लग गए, नरकों में जीव ज़्यादा जाने लग गए। और नरकों में जब मार पड़ी तो चिल्लाए, तब उस मालिक को दया आ गई, कान ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, और संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मारक, संत मता का किया बखान, शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चर्चर पहुँचो अगम ठिकान। तब शब्द का वेद बताया, शब्द से ही सारी सृष्टि बनी है, अन्नपिंड ब्रह्मांड जितना है सब शब्द से ही बना है, शब्द से ही सब टिका हुआ है। सबसे पहले अनामी धाम में हिलोर हुई, और वहाँ से जब हिलोर हुई तो जीवात्माएँ नीचे जब गिरी तो आवाज़ हुई, शब्द से ही वो नीचे गिर गई, आवाज़ हुई जब, तो कुछ समय तक वहाँ रुकी रहीं, आगम लोक में रुकी रहीं, फिर अलख लोक में रुकी, फिर सतलोक में आईं, फिर सतपुरुष की मौज हो गई, तो उन्होंने 16 सुतों के साथ उनको भेजा, फिर धीरे धीरे सीढ़ी 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 ऐसे ही है, हनी समझो कि आत्माएँ यहाँ मृत लोक में आ गई और 4 शरीर में बंद हो गई। पहले समझो कि शब्द रूप में ही थी, लेकिन इसके ऊपर खोल चढ़ती चली गई, कारण शरीर का खोल, फिर सूक्ष्म शरीर का खोल, फिर लिंग शरीर का खोल, फिर यह स्थूल शरीर का खोल, अब इसके अंदर ये जीवात्मा बंद हो गई। तो अब इससे निकल करके यानी जब तक ऊपर नहीं जाएगी तब तक शब्द पकड़ में आएगा नहीं, और शब्द अगर पकड़ में आ जाए तब तो शब्द भी खींच ले जाए, क्योंकि उसमें आकर्षण है, चुंबक है, वो खींच ले जाए, लेकिन वो निकल नहीं पाती है जीवात्मा। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बंदे रो पाड़ेंगे तो निदान क्या होगा, दया के निदान का विधान क्या होगा, फूट पड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फाले के प्यारा देश फूले फाले, यही वंदना है गोरों से बारंबार, हमारा देश फूले फाले के प्यारा देश फूले फाले।